झिंगुरिया आदिवासी निवासी ग्राम भलोड़ी तहसील बैराड ने जन सुनवाई में शिकायत में बताया कि हमारी पंचायत में सरपंच व सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किसी भी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शौचालय निर्माण में अनियमितता बढ़ती गई है। इसमें विभिन्न स्थलों पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, साथ ही साथ बिना निर्माण के ही शौचालय बना दिया गया है। इसमें कई जगह तो शौचालय सीट तक नहीं है। वहीं पीएम आवास योजना में सरपंच सचिव व अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। मुकेश जागर, कहाँ से आए हो? ग्राम पंचायत बलोड़ी से। जी, क्या समस्या लेके आए थे? समस्या ये है कि हमारी ग्राम पंचायत बलोड़ी में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, मनमानी, रिश्वतखोरी और जितना भी निर्माण कार्य शौचालय के नाम पे, आवास योजना के नाम पे, जितने भी निर्माण कार्य विकास कार्य सबके नाम पे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार चल रहा है। किस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया था? फर्जीवाड़ा कोई घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं। आवास है तो पात्रों को ना देकर पात्रों को दिए जा रहे हैं। शौचालय बनाई नहीं है, बिल्कुल बनाएंगे तो बिना गन्ना गड्ढा बिना छतरी बनाई है, मतलब धरातल पर कुछ नहीं है। 20% राशि भी मतलब निर्माण कार्य में खर्च नहीं की जा रही। आप किसी पद पर हैं क्या वहाँ पर? नहीं, कोई पद पर। फिर आपकी समस्या क्या है? समस्या यही है मैडम, भ्रष्टाचार के संबंध में। कौन कर रहा है? सरपंच सेक्रेटरी कर रहे हैं। सरपंच का नाम? इस क्या नाम? सरपंच का नाम? सरपंच का नाम महेंद्र सिंह यादव। आपने उससे बोला क्या? पर्सनली मिली क्या? नहीं सर, कई सालों से बोल रहे हैं सर, फिर कोई सुनने को नहीं है। जनपद सीओ साहब से बोले मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या मानते हो सेटिंग है? अब बहुत सेटिंग है, ये सबकी मिली चल रही है सर, सब कमी सर पर सब चल रहा है सर वहाँ पर।